मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे हरे लहसुन का अचार जो खाने में बहुत टेस्टी होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है, हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं हमने 500 ग्राम आधा किलो हरा लहसुन लिया है। इसकी पत्तियां जो होती हैं ये देखने में तो अच्छी लगती हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होती हैं और बहुत फायदेमंद होती हैं। और हमने लिया है अदरक, हमने 200 ग्राम अदरक लिया है और 100 ग्राम हरी मिर्च लिया है। तीखा आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम पहले अच्छी तरीके से धो लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो हमने अदरक और हरी मिर्च को धो लिया है, आप देख सकते हैं। इसे हमें हल्का सा धूप में डालना है, इसका सारा पानी जो है हमें सुखा देना है क्योंकि अचार में अगर पानी होता है तो अचार जल्दी से खराब हो जाता है। तो ये अचार हम पूरे साल भर के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम धो लेते हैं। तो इसमें हम पानी डालेंगे, 3 से 4 बार इसे हम अच्छी तरीके से धुलेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर से कितनी गंदगी निकल रही है। इस पानी को हम फेंकेंगे और कई बार इसे धो लेंगे। तो मैंने लहसुन को अच्छी तरीके से धो लिया है, इसे साफ कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी गंदगी जो होती है बिल्कुल निकल चुकी है। इसमें काफी मिट्टी लगी थी तो हमने इसे अच्छे से साफ कर लिया है। तो हमें क्या करना है, एक कपड़े पर इसे हम धूप में डाल देंगे 1 घंटे के लिए, जिससे इसका जो पूरा पानी है वो सूख जाएगा। फिर इसे हम काटेंगे और आगे आपको दिखाएंगे हमें क्या करना है। तो लहसुन को, अदरक को और हरी मिर्च को हम धूप में डाल देते हैं। तो हमने लहसुन को, अदरक को और हरी मिर्च को धूप में सूखने के लिए डाल दिया था और आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से सूख गया है इसका पानी। मैंने इसे पलटकर अच्छे से सुखा लिया है। और अगर आपके पास धूप की सुविधा नहीं है तो आप इसे कपड़े से पोंछ करके और पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इसे साल भर के लिए रखना है। तो चलिए इसे हम काट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो लहसुन का जड़ है इसे हम काट देंगे और अगर इसके ऊपर का कोई छिलका खराब है तो उसे हम निकाल देंगे, इस तरीके से रख लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें लेकिन हमें इसे अच्छी तरीके से साफ करना है। अगर ये पत्ती खराब है तो इसे इस तरीके से निकालेंगे और इसकी जड़ को काट लेंगे, इस तरीके से हम लहसुन को साफ कर लेंगे। तो सारे लहसुन को मैंने छील लिया है, आप देख सकते हैं इसका कचरा हमने हटा दिया है। और अब हम अदरक को भी छीलेंगे, जैसे ये भी अच्छी तरीके से सूख चुकी है तो इसका छिलका हम निकाल देंगे, इसे हम अचार में नहीं डालेंगे। तो हमने सारे अदरक को भी छील लिया है, इसका छिलका मैंने अलग कर दिया है। और अब हरी मिर्च को भी हम काट लेंगे, इसके पीछे का डंठल हम काटेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे इस तरीके से। तो हरी मिर्च को भी मैंने काट लिया है, मैंने आधा किलो में 100 ग्राम हरी मिर्च लिया है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें ये अदरक भी काट लेंगे हम छोटे टुकड़ों में। तो अदरक को भी मैंने काट लिया है और इसे साइड में रखेंगे। और ये लहसुन जो मैंने रखा है छील करके, इसे भी काट लेंगे, इसके भी हम छोटे छोटे पीसेस काटेंगे इस तरीके से। सारे लहसुन को हम काट लेंगे। लहसुन बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, हमें कड़ा नहीं लेना है क्योंकि ये गल जाने के बाद ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। और अगर ये कड़ा होता है तो दांत में फंस जाता है और खाने में भी मजा नहीं आती। तो जब भी हमें अचार के लिए लहसुन लेना है बिल्कुल हरा, बिल्कुल मुलायम लहसुन लेना है। बाद में जो कड़ा हो जाता है तो अचार उसका अच्छा नहीं बनता है। तो अभी इस सीजन में अभी बहुत मुलायम लहसुन आ रहा है तो आप इस तरह से इसका अचार बना सकते हैं। तो हरे लहसुन को मैंने काट लिया है और अदरक और हरी मिर्च को भी मैंने काट लिया है और ये अच्छी तरीके से सूख भी गया है, देख सकते हैं बिल्कुल पानी नहीं दिख रहा है इसके ऊपर से, बस ऐसे ही हमें चाहिए। तो हम देख लेते हैं हमने मसाला क्या क्या लिया है इसके अंदर डालने के लिए, इसे साइड में रखते हैं। हमने 2 चम्मच खड़ा धनिया लिया है, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच हमने काले सरसों के दाने लिए हैं, आप पीली सरसों भी ले सकते हैं, 1/2 चम्मच मेथी दाना और 1/2 चम्मच हमने कलौजी लिया है, इसे ओनियन सीड्स भी कहते हैं। तो चलिए इसे हम सबसे पहले भून लेते हैं क्योंकि इन मसालों को हमें पीसना है। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और मैंने गैस को ऑन कर दिया है। तो ये सारे मसाले हम एक साथ इसमें डाल देंगे और स्लो मीडियम आंच पर इसे हमें भूनना है
तो ये मसाला जले ना ये हमें ध्यान देना है, बस हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा इसे हमें नहीं भूनना है, तो बराबर चलाते हुए इसे हम भूनेंगे। तो जब तक मसाला हमारा भून रहा है, इधर लहसुन को हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो हमने लिया है मिक्सी का जार, अगर आपके पास खलबट्टा है तो उसमें इन चीजों को कूट सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें भी इसे चॉप कर सकते हैं। तो इसकी पहले जब मैंने लहसुन का अचार बनाया था तो मैंने इसे चॉपर में चॉप किया था, तो इस बार इसे हम मिक्सी के जार में पीसेंगे। तो बहुत ज्यादा पतला हमें नहीं पीसना है, बिल्कुल चटनी नहीं बनानी है, हल्का सा मोटा ही पीसना है। अदरक और हरी मिर्च को इसके अंदर हम डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन भी डाल देंगे, क्योंकि ये ज्यादा है तो दो बार में हमें इसे पीसना है, तो आधा हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो इधर हम मसाला भी चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो आप सुन सकते हैं इसमें चिटचिट की आवाज आने लगी है, बस इतना ही हमें भूनना है इसे, इसे चला देंगे जिससे मसाले हमारे जले ना, और मैंने गैस को बंद कर दिया है। चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो मैंने इसे पीस लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है, बस ऐसे ही हमें इसे पीसना है। तो इसे हम निकाल लेते हैं बाउल में, तो जो आधा बचा हुआ है उसे भी हम पीस लेंगे। तो इसे भी मैंने पीस लिया है, इसे भी बाउल में निकाल लेंगे। तो इसे मैंने निकाल लिया है और मैंने जो मसाला भून करके रखा है ये भी ठंडा हो गया है, तो इसे भी पीस लेंगे। तो ये मसाला भी हमारा पीस चुका है और मैंने इसे बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा मोटा पीसा है, ऐसे ही अचार में अच्छा लगता है। तो हम क्या करेंगे, इस मसाले को लहसुन में डाल देंगे। हमने लिया है एक चम्मच हल्दी का पाउडर, इसे भी डाल देंगे। नमक डालेंगे, तो हमने बड़ा चम्मच लिया है, इस चम्मच से नमक डालेंगे और दो चम्मच नमक इसमें हम डाल देंगे। और हमने लिया है सिरका, तो हमने जामुन का सिरका लिया है, अगर आपके पास गन्ने का सिरका है तो वो भी ले सकते हैं, अगर दोनों सिरका नहीं है तो व्हाइट विनेगर अगर आपके पास है सफेद वाला सिरका तो वो भी ले सकते हैं। तो हमने एक कप लिया है, इसे हम डालेंगे, लेकिन अगर आप सफेद सिरका डाल रहे हैं तो 3 से 4 चम्मच ही डालिएगा, उसको ज्यादा नहीं डाला जाता है। तो सिरका डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, ये अचार हमारा खराब नहीं होता है और पूरे साल इसे हम रख सकते हैं। तो अब हमने लिया है सरसों का तेल, तो इसे डालेंगे। तो हमने एक कप लिया है, पहले हम आधा कप तेल डाल देंगे, इस अचार में सरसों का तेल ही अच्छा लगता है और कोई भी तेल अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें जब भी आप डालिएगा सरसों का तेल डालिएगा। इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमने इसके अंदर हरी मिर्च डाला है, लाल मिर्च नहीं डाला है, अगर आपको लाल मिर्च डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च जो होती है वो हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है, तो इसीलिए मैंने हरी मिर्च डाला है। बहुत ज्यादा मसाला डालने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि टेस्ट के साथ साथ ये हेल्दी भी होता है, तो बहुत ज्यादा मसाला नहीं डालना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो जो मेरे पास ये आधा कप तेल बचा है इसे भी डाल देंगे। तेल और सिरका डालने से ये अचार हमारा खराब नहीं होगा, पूरे साल भर तक आप इसे रख सकते हैं। तो अगर आपके पास धूप की सुविधा है तो इसे बीच बीच में धूप में रख दें, 2-3 दिन तक धूप में रख दें, तो ये अचार और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, गल जाएगा और खराब भी नहीं होगा। और अगर आपके पास धूप की सुविधा नहीं है तो इसे किसी सूखी जगह पर रखें जहां सीलन ना हो, तो भी ये अचार खराब नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखें जब लहसुन को सुखाएं तो उसमें पानी ना हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख जाएगा, तो ये अचार खराब नहीं होगा। सुखाने के बाद ही इसमें तेल मसाला मिक्स करें। अब देखिए देखने में कितना चटपटा अच्छा लग रहा है, खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसे बनाना भी कितना आसान है, आपने देखा फटाफट बन जाता है। इसके सामने सारे अचार फीके पड़ जाएंगे आपके, अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो आप इसे पराठे के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, पूरी सब्जी के साथ खाइए, जैसे भी खाइए, ये पेट के लिए भी फायदेमंद होता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो इस लहसुन के अचार को बहुत लोग लहसुनहट भी कहते हैं, लहसुन की चटनी भी कहते हैं और हरे लहसुन का अचार भी कहते हैं, तो आप कुछ भी कहिए, बस खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो इस तरीके से आप हरी लहसुन का अचार बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका लहसुन का अचार कैसा बना।